आओ आज तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, एक रोमांचक कहानी। अगर आपके भी लाखों रुपए किसी पहाड़ में अटक जाए तो एडवेंचर तो होगा ही। तो इस कहानी में जो लड़का है वो हूँ मैं, और साथ है मेरे कुछ दोस्त। आज के सफर में हम आपको लेके जा रहे हैं एक हिडन पैराडाइस में। हिडन है तो सफर तो लंबा होगा ही, तब तक आप आनंद उठाइए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के। और हम बस पहुंच ही गए। सो आप बस वैली व्यू देखो कितना अच्छा है। एंड अब हम नीचे जा रहे हैं, लगभग 2 किलोमीटर लंबा ट्रैक है एंड काफी मुश्किल होने वाला है। जब तक हम नीचे उतर रहे हैं आप तब तक वैली के नज़ारे चेकआउट करो। भाई लोग पसीने पसीने हो चुके हैं एंड हमें नीचे दिख रहा है कि वो एक पुल है और वहां से नीचे हमें उतरना है झरने की तरफ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं नदी में। नीचे पहुंचकर नजारा कुछ ऐसा था कि ड्रोन उड़ाना तो बनता ही था। ड्रोन घुस गया भाई, ड्रोन घुस चुका है, ड्रोन घुस गया। हाँ वही घुसा है भाई। यार भैंचो फक मैन, ड्रोन घुस गया, लाखों का नुकसान। 1 लाख मिल जाएगा, टेंशन ना लो, मिल जाएगा यार। गाइस लिटरली मेरी तो फट चुकी थी। जिस एडवेंचर की मैं बात कर रहा था वो यही एडवेंचर है और यहीं से शुरू होता है। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ड्रोन ढूंढना मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। दुनिया में होते हैं कुछ चूतिए, अखंड चूतिए, फिर होता है अखंड चूतिए, फिर आता है विशुद्ध चूतिया। वो दिख रहा है तुम्हें बीच में जो ये काली शर्ट में लौंडा खड़ा हुआ ऊपर, ये है विशुद्ध चूतिया। उसको मना करा गया था कि ड्रोन यहाँ पे मत उड़ाओ, इसने पेड़ में ड्रोन फंसा दिया। और वहाँ देखो डियर सेंस के फूफा चाचा सब खड़े हैं वहाँ पे। ये ना पीला पीला पत्ता दिख रहा है उसके पास ना, एक कोई वो ना सरफेस पे है जहाँ पे पीला पत्ता भी है पास में। वाह हाँ। क्या देता है पीला पत्ता जंगल में आके। कुछ ऐसे यारों के साथ अब व्लॉगिंग छोड़ के हम ड्रोन की तलाश में लग चुके थे। काफ़ी लंबे 1.5-2 घंटे के संघर्ष के बाद फाइंड माई ड्रोन ऑप्शन यूज़ करके हमने ड्रोन को ढूंढ ही लिया। हमारा ड्रोन आ चुका है वापसी एंड मौत के मुँह से वापसी आया। सच बोलूँ तो मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी एंड ऊपर वहाँ का ही फंसा हुआ था। ये देखो इसका प्रोपेलर भी कट चुका है पेड़ पे टकरा के। वो तो किस्मत अच्छी थी हमारा ड्रोन बच गया, वरना कोई उम्मीद नहीं थी मिलने की। तो भाई ड्रोन मिलने की खुशी तो थी ही और साथ ही हम डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके थे। तो आप पहले हिडन पैराडाइज को देखिए। एक मिनट जरा ये तो देखो कि किस किस ने मदद की हमारे ड्रोन को ढूंढने में। भाई बहुत ज्यादा खुशी हो रही है सही में। नॉटी भाई क्या कह रहे थे, आके ढूंढेंगे, बहुत बदतमीज आई है। सबसे पहले हिम्मत इन्होंने हारी थी किस चीज में, ड्रोन ढूंढने में। आके क्या ना, आके ढूंढेंगे ड्रोन। ये किस भाई, किसी ने सुना है ऐसा मुझे बोलते हुए? भाई मैंने सुना है, वो मेरे बगल में खड़ा था। चलो चलो ये भाई, और ये भाई ने मेरा ड्रोन को बचाया है, ठीक है बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। बाकी इन्होंने मेरे को गिरने से बचाया। ये भैया कहीं नजर नहीं आया, सामान देख रहा था। ये सामान देख रहे थे, देखो भाई सामान की भी सेफ्टी जरूरी है ना। और मैं नीचे खड़े होकर गालियां पकड़ा था इसे। तो भाई देखो पानी बहुत ही औसम है। ऐसी मजेदार जगह आए हैं तो दोस्तों के साथ मस्ती तो होनी ही थी। Thank you.
हंस रहे यार। सो भाई अब टाइम हो चुका है घर को वापसी जाने का, एंड भाई बहुत एडवेंचर कर लिया है, अभी भी काफी एडवेंचर बाकी है। Still we are left with 1 kilometer of track and हालत खराब हो चुकी है। नोडी भाई और मैं एक साथ हैं, बाकी सारे के सारे हमारे पीछे हैं, मानोगे नहीं सारे पीछे हैं। ठीक है, ट्रैकिंग करते हैं हम दोनों भाई। असलियत तो ये थी कि हम सबसे पीछे थे। So thanks for making me part of the day। मैं होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा। मैं जानता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम आई है, बट That was adventure of lifetime। हमारे साथ हैं अरे भाई गितेश, जिनकी वजह से हमारा ड्रोन आज रेस्क्यू हो पाया है, एंड ऑल्सो ये भाई अपने पुणे से हैं। एडवेंचरस भाई बोलते हैं अमल माचो इनके नाचो। ये हमारे भाई, इनका नाम दीपक है, इन्होंने भी बहुत मदद करी है भाई ड्रोन ढूंढने में। ये ऊपर चढ़ गए थे और इनको हमने आवाज लगाई, इन्होंने हमारा ड्रोन बचा भाई। सब ने बहुत मदद करी है। हमारे आशीष भाई भाई बिल्कुल, मतलब ये तो बिल्कुल ही स्लो थे, पर फिर भी मैंने एग्जैक्ट लोकेशन बताई है। कुछ दिख रहा है ये ना, मतलब बिल्कुल मेरे से भी ज्यादा ब्लर है। ठीक है, -4 अगर कोई चश्मे वाला है तो रिलेट कर सकता है। जसी पाजी, क्या हाल पाजी? बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। ये हमारा आदर्श शुभम भाई, एडवेंचरस व्लॉग में। बट हम चाहेंगे कभी हमारा ड्रोन दोबारा ऐसे ना खोए। वाइब है भाई इस लोकेशन में, वाइब है। आप यहाँ पे आओ, इंजॉय करो भाई, यहाँ के लोकल्स को परेशान मत करो, कूड़ा मत फैलाओ हमारी तरह, बैग में सारा कूड़ा ठा के घर को ले चलो, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।